आम तौर पर लोग एक ही गलती एक या दो बार करके संभल जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के मामले में ये कहावत बिल्कुल लागू नहीं होती। कांग्रेस को बार बार गर्म दूध से अपना मुंह जलाने में मजा आता है। विपक्षी दलों के दुत्कारे जाने के बाद भी राहुल गांधी फिर से विपक्ष के एकजुट होने का राग अलाप रहे हैं। दरअसल हाल ही में राजद में शामिल हुए शरद यादव राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। उनके साथ बैठक के बाद राहुल ने फिर से विपक्ष को साथ लाने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, उन्हें एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि शरद यादव उनके गुरु हैं और उनकी इस बात से सहमत हैं कि देश बुरे दौर में चल रहा है। पूरे देश में नफरत फैली हुई है। हम सभी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमें देश को एकजुट करना होगा। कांग्रेस इससे पहले भी कई बार भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की बात कर चुकी है। इसी विपक्षी एकता के चक्कर में कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए। कांग्रेस ने इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों को समर्थन दे दिया और चुनाव प्रचार में जोर नहीं लगाया। इसके चलते दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की TMC को अच्छी खासी जीत हासिल हुई, लेकिन बाद में इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के साथ एकजुट होने के बजाय उसे ठेंगा दिखा दिया। ममता बनर्जी ने त्रिपुरा और गोवा में कांग्रेस को ही तोड़ डाला और पार्टी के कई नेता TMC में शामिल हो गए। ममता बनर्जी कई बार कांग्रेस के नेतृत्व और क्षमताओं पर सवाल उठा चुकी हैं। वो कह चुकी हैं कि कांग्रेस की एकजुटता में कोई दिलचस्पी नहीं है। ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे, KC और अखिलेश यादव के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने में जुटी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव में कांग्रेस का विरोध करके ही सत्ता में पहुंची है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व की जमकर आलोचना की थी। अब गुजरात और हिमाचल में भी केजरीवाल कांग्रेस के वोट में सेंध लगाने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व है कि ये बात समझने को तैयार नहीं कि क्षेत्रीय दलों ने ही उनका बेड़ा गर्क किया है। कांग्रेस चाहती है कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व उसके हाथों में दिया जाए, लेकिन क्षेत्रीय दलों को ये मंजूर नहीं, क्योंकि कांग्रेस का आधार अब कमजोर होता जा रहा है। फिर भी राहुल गांधी अपनी रणनीति बदलने को तैयार नहीं है। उन्हें अब भी क्षेत्रीय दलों से उम्मीद है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। जबकि कांग्रेस को एकजुटता के लिए झोली फैलाने के बजाय खुद को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।